फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं बताने जा रहा हूँ स्मार्ट ट्रैक। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके चार वेरिएंट हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपका, जैसे ये आप देख रहे हैं, CP-TL3, TK4, TL4। ठीक है ना, चारों चार मॉडल्स हैं। ठीक है, इसमें कुछ का फीचर सबका कुछ कुछ ना कुछ कुछ डिफरेंस है एक दूसरे से, लेकिन मैं एक मॉडल वैसा ले रहा हूँ जिसमें सारे फीचर्स को बताया गया है। तो अगर वो मैं कवर अप कर लूंगा तो फिर वो सारा ऑटोमेटिक, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस सबका सेम ही है कन्फिगरेशन करने का। तो सबसे पहले मैं इनको हटा कर करके, ये मॉडल जो है आपका TL4, ठीक है ना, ये मॉडल मैं ले रहा हूँ और ये सारा चीज़ मैं बताऊँगा इसमें क्या करना है। ठीक है, जब आप बॉक्स खोलेंगे तो एक ऐसा आपको चार्जर मिलेगा, ऐसा एक, ये आपका मैनुअल है, ये घड़ी है अपना स्मार्ट ट्रैकर, और ये बॉक्स है। इसको मैं साइड करता हूँ स्मार्ट ट्रैकर को भी। ये आपका मैनुअल ये दिया हुआ है कि आपका कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, सारा कुछ दिया हुआ है आपका। उसके बाद ये चार्जर वाला पॉइंट दिया हुआ है, ये एक तरह से मैग्नेटिक चार्जर टाइप का दिया हुआ है। आप ये जो आप देख रहे हैं, ये पंच हो जाता है और ये कभी भी गलत नहीं लगेगा, ये जब भी लगेगा तो सही लगेगा, हिसाब से इसका बना हुआ बनाया गया है, शॉर्टिंग वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो USB पोर्ट है, ये आपको ये लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, एक्सटेंशन हो, जहाँ पर इस टाइप को सॉकेट जो चार्जर दिया रहता है वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ और दिया गया है, इसमें फ्लैश लाइट है आपका और ड्यूअल कैमरा है आपका। एक तो आपका जो है आपका ये फ्रंट साइड वाला जो आपको दिख रहा होगा, आया हो, ये जो दिख रहा है आपको, ये छोटा सा गोल सा, ठीक है, और एक आपका ये साइड, ठीक है, ये आपका, और ये जो आपको दिख रहा है ये फ्लैश लाइट है, टॉर्च। ठीक है, अब मैं बात करूं तो इसमें सिम कैसे लगता है, तो सिम आपको लगेगा उसको खोलने के बाद। ये जब खोलेंगे, अभी मैंने सिम लगा रखा है, ये बिल्कुल स्लाइडर टाइप का है, आप इसको स्लाइड स्लाइड करेंगे सिम लगा करके, छोटा वाला बिल्कुल जो अभी आ रहा है वायर शोर में लगते हैं वो, और इसको फिर मैं बंद कर दूंगा। याद रखिएगा, जब सिम लगाइएगा तो आपकी डिवाइसेस ऑफ होनी चाहिए, यानी स्मार्ट ट्रैक ऑन करके लगाइएगा तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा, फिर आपको ऑफ करना पड़ेगा, फिर ऑन करना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अभी जो आप फुल टावर जो दिख रहे हैं आप, ठीक है, और ये जी का जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये इसका मतलब है कि इसमें ये इंटरनेट काम कर रहा है प्रॉपर। इन केस अगर ये जी के बगल में क्रॉस दिखाए तो डैट मीन्स कि वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके इस डिवाइसेस के साथ अटैच नहीं हुआ है, और अगर ये सिंबल ये दिखाए आपको, ये टावर जो आपको दिख रहा है उसके बगल में क्रॉस दिखाए, डैट मीन्स कि वो सीमी डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। उसके साथ ये डेट एंड टाइम ऑलरेडी दिखाएगा ये, जैसे ही आपको, जैसे ही एक बार आप इसके टाइम सेट को सेट करेंगे। ठीक है, और ये दो बटन दिए हुए हैं आपको ऑन ऑफ करने वाला, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है, और ये आपको शॉर्ट प्रेस करने के लिए, जो जितने ही फीचर्स है वो वन बाई वन स्लाइडिंग के लिए आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा से ऑन करता हूँ, वन वन क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैमरा खुलेगा आपका, लॉन्ग प्रेस नहीं करना, शॉर्ट प्रेस। तो अभी कौन सा खुल रहा है कैमरा, ये आपका साइड व्यू वाला, उसके बाद ये आपका फ्रंट कैमरा खुल गया आपका। ठीक है, या कैप्चर करना है अगर आपको तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये कैप्चर हो गया आपका। ठीक है, और जो भी आपने कैप्चर किया है वो आपको यहां आपको मिल जाएगा, जो भी मैंने आपको कैप्चर किया। ठीक है, इसको आप ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगा नया फिर से। उसके बाद ये आपका सबसे पहले मेनू आया फोन बुक, सब ये स्क्रीन टच है कम्प्लीटली, बटन से कुछ नहीं करना है आपको, बस एक बार ही करना है। वॉइस चैट जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं वॉइस चैट, उसके बाद कैमरा फिर से वो खुल जाएगा, पिक्चर्स फिर से वो, फोटोज जो स्टोर हुए हैं वो सारा, उसके बाद गेमिंग, ठीक है, गेमिंग के बाद आपको मिलेगा टॉर्च, जैसे क्लिक करेंगे ये लाइट वाला फ्लैश जलेगा, ये देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा ये जला, ऑन ऑफ करना है ऑन। उसके बाद ये आपका फोन बुक हो गया,
इसके बाद ये फाइन प्रिंट ब्लूटूथ है इसमें, इसलिए आप एक दूसरे से अटैच भी कर सकते हैं दूसरे को। उसके बाद वाईफाई, अगर आपके ऑफिस में या क्लासरूम में वाईफाई है तो वाईफाई से भी अटैच कर लें, ताकि जो फोटो अपलोड वगैरह होता है जो भी स्पीड थोड़ा अच्छी हो जाती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। फिर बाइंडिंग कोड जो ऑनलाइन करना है आपको, और उसके बाद ये दोबारा से फ़ोन बुक आ गया। तो ये फीचर्स है इस डिवाइसेस का, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें बाइंडिंग का, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको कि एप्लीकेशन है इसका ईजी ट्रैक, जैसा कि आप देख रहे हैं सीपी प्लस का लिखा हुआ ही है कि आपको ईजी ट्रैक के नाम से, तो ये ईजी ट्रैक का ही एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब कीजिएगा, जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो फिर आपको ये देखिए इस तरह से आपको आइकन बन जाएगा आपको, ये ईजी ट्रैक का है, ठीक है। ईजी ट्रैक पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको आपसे रजिस्ट्रेशन मांगने के लिए मांगेगा। जब रजिस्ट्रेशन जब आप कर देंगे तब आपके सामने ऐसा स्क्रीन आ जाएगा, एड डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, बार कोड स्कैन का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम फिर वही चीज वापस चलते हैं कैसे इसको करना है। ये फिर से दोबारा आ गया बाइंडिंग, ठीक है। अब बाइंडिंग पे जब क्लिक करेंगे हम तो ये आपका सीरियल नंबर है। आप चाहे तो मैनुअल भी कर सकते हैं या चाहे तो आप स्कैन भी कर सकते हैं। तो मैं स्कैन करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे कैसे स्कैन करना है, या बाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप, तो ये देखिए आपका स्कैन करने का ऑप्शन आपका आ गया, ठीक है। ये अब मैं इसको स्कैन करता हूं, ये देखिए स्कैन हो गया, ठीक है। अब आपको इमेज डालना है कुछ भी अपने फोन पे, तो आप इमेज डाल सकते हैं, जैसे मैं अपना इमेज डालना चाहता हूँ, चाहे कोई बच्चे का अपना इमेज डाल सकते हैं, तो जो भी आपको डालना है, मान लीजिए मैंने ये डाला, ठीक है, तो ओके किया तो ऑटोमेटिक ये चला गया। आप अपने बच्चे का इमेज डाल सकते हैं। फोन नंबर डालना है आपको तो आप नंबर डाल सकते हैं, उसी नंबर डालना है जिसमें यह सिम लगा हुआ है, ठीक है, ये सिम का नंबर, तो नंबर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इनपुट नेम जो भी आप अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं मान ले जाता हूँ टेस्ट का ऑप्शन, मैंने टेस्टिंग कर रहा हूँ तो इसलिए मैं टेस्ट रखा। डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे का, मैंने मान लीजिए 18/1/2018 रख दिया। मेल है फीमेल है आप अप टू यू क्या चूज करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने मेल चूज किया, ओके किया। हाइट कितना है बच्चे का, 80 सेंटीमीटर एग्जाम्पल तौर पर मैं मान लेता हूँ, ये मैंने लिखा। वेट कितना है बच्चों का, मान लीजिए 20 kg, ठीक है। अब आपका ग्रेड कौन सा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, कि आप सीनियर क्लास में पढ़ रहे हैं 1, 2, 3 LKG UKG, वो भी अपने हिसाब से ग्रेड आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। ग्रेड मैंने सीनियर ग्रेड 2 कर दिया, ठीक है। इसको मैंने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद अब आपके सामने ऐसा आइकन खुलेगा, ठीक है। अब आप जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में कहाँ जाना है, यहां, तब आपको ये दिखेगा ऐसा प्रोफाइल आपका, ठीक है। सबसे पहला प्रोफाइल फैमिली, जिसको जिसको आपको ऐड करना है आप यहां से ऐड कर सकते हैं या देख सकते हैं। अगर ऐड करना, जैसे मैंने अभी स्कैन किया तो जो मैंने रजिस्टर किया तो वो खुद ब खुद आ गया। अब आपको ऐड दोबारा करना है आपको यहाँ पे किसी और को आपके फैमिली में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए निकनेम कुछ डालना है तो आप डाल दीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर डाल रहा हूं मैं नीरज, ठीक है। टाइप क्या करना है इस पर, क्या क्या आपको देना है, जैसे हम DVR में देते हैं सेम चीजें, पोजिशन, चैट, कॉल, ऑल कमांड देना है या सिर्फ कॉल करें, ठीक है, तो आपके ऊपर है कि डिपेंड करते हैं कि राइट क्या देना है। मैंने राइट दिया इसको ये चीजें, और फिर इसको सेव कर देना, ठीक है। अब ये ईमेल रजिस्टर आईडी वो देना है कि उनके मोबाइल पे भी ऐसा ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, वो बंदा खुद रजिस्टर्ड करेगा, ठीक है, रजिस्टर्ड करेगा, और उसका मेल आईडी पे जो होगा वो मेल आईडी यहां डलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं आपको, तो एक और मोबाइल है, ठीक है, मैं उस पर भी ऐड किया हूं, उसका मेल आईडी मैं इस पर डाल रहा हूं। तो ये मैंने डाल दिया इनका मेल आईडी, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, इजी ट्रैक पे इन्होंने रजिस्टर्ड कर रखा है। आप चाहे तो फोटो भी बदल सकते हैं, कोई सुनिए है। उसके बाद ऐड करना है, ऐड कर दीजिए आप, यहां पे ऐड का ऑप्शन है, ऐड कर दिए, ठीक है। दूसरी चीज, ये तभी ऐसा होगा जब आपके उसके मोबाइल पे एक बार आपको स्कैन करना पड़ेगा, जैसे मैंने स्कैन किया था, सेम प्रोसेस आप उनके मोबाइल पे भी करेंगे जिनके मोबाइल पे आपको देखना है, ठीक है, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। जैसा कि यहां पे मैंने बताया आपको ऐड करना है इस प्रकार, ठीक है, इसको मैं बैक कर देता हूं, अभी मेरे पास दूसरा फोन है नहीं तो मैं कर नहीं पाऊंगा वो चीजें, ठीक है। उसके बाद आपको
ये आपका सबसे पहले हिस्ट्री, आप कहाँ कहाँ गए हैं, क्या किए हैं, सारा कुछ आपको ये बताएगा, ठीक है? वो आपके मोबाइल फोन और ये दोनों चीजें से आपको ये बताएगा, जैसे लोकेशन बता रहा है, ये चीजें जहां जहां ये घूमेगा, ये आपका ये और ये दोनों एक दूसरे से, तो वो सारा कुछ लिंकअप बताएगा ये हिस्ट्री में आपका। उसमें और भी बहुत सारी चीजें इसमें आएगा, अभी अलार्म वगैरह वगैरह सारा कुछ आएगा। उसके बाद ये क्लास मोड है कि अगर इन केस अगर बच्चा क्लास में है, ठीक है, तो जब इसे ऑन कर देंगे आप, ठीक है, तो आप फिर वो बंदा क्या करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको इमरजेंसी जो बटन है, सॉस बटन जिसको बोलते हैं, वो आपको इसमें आएगा। मतलब इन केस कुछ हो गया घटना या कुछ फंसा हुआ है, तो जैसे ये सॉस बटन यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर कीजिएगा इसको, ये लाल वाला, ये देखिए सॉस का ऑप्शन आ गया, ठीक है। सॉस जब कीजिएगा ये देखिए आवाज सुन रहे हैं आप, आवाज जब आप बड़ा करेंगे तो बड़ा भी हो जाएगा। अब मैं ये देखूंगा कि इसको ऐसी मैसेज आता है, ठीक है, लुक करेंगे देखेंगे क्या ऑप्शन है। तो ये हमारा लोकेशन बता दिया कि यहाँ पर ये डिवाइसेस हैं और कुछ प्रॉब्लम है, तो आप फिजिकली उनको बंदे को कॉल कर लीजिए, या फिर यहीं से आपको कॉल भी करने का प्रॉब्लम आएगा ऑप्शन, या होम पे जाएंगे और डायरेक्टली इस पे ये जो क्लिक है इस पे क्लिक कीजिएगा, ये कॉल जो ही सिम का नंबर था ये डायल करना है आपको, यहाँ से ऑटोमेटिक ये डायल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए स्टार्ट नीचे चालू है, उसके बाद जैसे मैं कॉल करना है तो ये नंबर है जिसका सिम में नंबर है, ये कॉल करेंगे। ये देखिए ये मेरा नाम आ गया, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, कट करना कट कर सकते हैं, बात करना है बात कर लीजिए। मैं रिसीव किया, हेलो, ठीक है, इधर से बोलेंगे हेलो, तो यहाँ भी सुनाई देगा आपको टू वे, तो ये टू वे कम्युनिकेशन आपका हो गया, ठीक है। अभी पास में इसलिए ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है, अगर भाई डिस्टेंस रहेगा तो बहुत अच्छा आवाज आता है, ठीक है। ये तो आपका हो गया कॉलिंग वाला। अब हम वापस जाते हैं एप्लीकेशन पे। ये जो आपका है पेडोमीटर, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये आपको पेडोमीटर का सिंबल दिख रहा है आपको, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कि ये जितना भी अगर घड़ी पहने हुए हैं, जितना स्टेप्स चलेंगे ये काउंट करेगा कि कितना स्टेप्स आपके घर से स्टार्ट कर दिया मान लीजिए, तो वो कितना स्टेप्स गया, फिर क्या किया, वो सारा कुछ इसमें डिटेल आपको आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बढ़ा करके ज़्यादा करें, सेटिंग पे जाना है आपको और गोल सेट करना है आपको, मेनली इसमें 1 करोड़ स्टेप तक सेट कर सकते हैं आप, ठीक है। वो सारा कुछ आज कल परसों जो भी चाहते हैं, एक तरह से वो सारा कुछ दिखाएगा आपको डेली बाय डेली हिस्ट्री। उसके बाद ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये सिर्फ सुनने के लिए, इन केस अगर आपने कॉल किया तो बंदा को हम पता ना लगे कि ये बड़ा बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखता है कि कॉल विल बी सून, देखिए कॉल आ गया। जब इसे सेट करेंगे तो मैं जो बोलूंगा इसको सुनाई नहीं दिया देगा घड़ी वाले को, लेकिन जो घड़ी वाला बोलेगा वो सुनाई देगा, ठीक है। अब मैं देखिए मैं बोलता हूँ हेलो हेलो, तो ये एडवांटेज है इसका, लेकिन आप जो बोलेंगे इस घड़ी में आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन जब आप कॉल करेंगे टू वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। अब हम आते हैं दोबारा से इसी पे, ये जो कैप्चर है पिक्चर, ये कैमरा वाला पिक्चर जो आप देख रहे हैं, अब हम इस पे जब क्लिक करेंगे ये, तो ये क्या इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो घड़ी के पास जो लोकेशन है, चाहे साइड का हो या फ्रंट का हो, उसका फोटो खींच कर करके आपके मोबाइल तक भेज देगा वो। जैसे एग्जांपल मैंने क्लिक किया है, ये गोल गोल घूम रहा है, जैसे ही नेटवर्क अच्छा होगा या वाईफाई रेंज में रहेंगे तुरंत फोटो जो है ना अपलोड हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा समय लगता भी नहीं है, और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ये देखिए नीचे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, ये देखिए अभी मैंने क्या किया था, कॉल किया था, सौ सलाम भी किया था, वो सारा कुछ आपको इसमें दिखाएगा, ठीक है। अगर इन केस फंस जाते हैं सौ सलाम कैसे करना है, तो इसको वापस के क्लिक कर करके यहां इसको लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, रिमोट कैप्चर, अभी वो कैमरा कर रहा था, डेट मीन्स मैंने जो क्लिक किया था ये ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है, ठीक है, नोटिफिकेशन आया होगा। इसको हम स्वैपिंग करेंगे, देखिए फोटो आ गया,
देखिए रिमोट फोटो सक्सेसफुल। अब ये कहां पर है, ये देखिए मेरा फोटो भी आ गया, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मैंने कॉल किया था इससे पहले, उसका भी डिटेल आपको, अगर मैं अभी सॉस बटन पे क्लिक करूं, जैसे लॉन्ग प्रेस करना है, किसी को इमरजेंसी कॉल करना है, तो ये सॉस चला गया। आप तुरंत मेरे मोबाइल पे देखिए, ये सॉस बटन आ गया। चेक करेंगे इसका लोकेशन क्या है, सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। कहां दिखा रहा है अभी ये लोकेशन, भट्टाचार्य रोड कॉर्नर के पास, थोड़ा सा बगल में है एरिया, यहां देखिए, यहां पे बिहार पटना सलीमपुर अहरा राजेंद्र पथ, ये आपका जहां पे घड़ी है वहां पे, जहां पे हमारा ऑफिस है, ये चीज दिखा दिया आपका। ये चीजें आप लाइव यहां पर भी देख सकते हैं, लाइव में ये चीजें यहां पे घूमते रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपकी घड़ी को नोटिफिकेशन कि बच्चा का घड़ी डाउन तो नहीं ना हो गया है, तो यहां पे लोकेशन भी बताएगा आपको घड़ी का स्टेटस कि कितना चार्जेस है, कितना चार्ज रह गया है या खत्म हो गया है। तो ये था चारों ऑप्शन। अब मैं बात करता हूं वॉयस चैट की, ये नीचे का ऑप्शन जो है वॉयस सेट, ये वॉयस सेट, ठीक है। अगर मैं क्लिक करके भेजू, हेलो 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 श्री राम, हेलो हेलो, ये मैं भेज दिया, ये ऊपर देखिए यहां चला गया, और ये देखिए यहां रिसीव भी हो गया न्यू मैसेज। इसको आप क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो रहा है, जैसे डाउनलोड होगा ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये डाउनलोड हो, ये चीज डाउनलोड हुआ, ऑटोमेटिक चलना भी शुरू हो गया, ठीक है। अगर आपको यहां से मैसेजेस भेजना है आपको कुछ, ये वॉइस मैसेज यहां क्लिक कीजिए, मेरा नाम है ये, क्योंकि मेरा अटैच है यहां पर, यहां पे क्लिक कीजिए, हेलो 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 श्री राम, हेलो टेस्ट, हेलो हेलो, ये चीजें मैंने भेजा, ये चीजें फिर यहां पे भी मेरे को रिसीव होगा। फिर वही हम जाएंगे रिसीविंग बोर्ड पर, थोड़ा वेट कर लीजिए, देखिए मैसेज आ गया यहां पर, तो इसको हम सुनना चाहते हैं, इसको लाउड स्पीकर थोड़ा हाई कीजिए, हेलो 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 श्री राम, हेलो हेलो, आ गया। ये चीजें है आपका, उसके बाद नोटिफिकेशन में भी आपको आ जाती रहेगा ये चीज, देखिए सौ सलाम भेजा था मैंने, वॉयस मैसेज भेजा था इधर से भी उधर से भी, तो वो सारा कुछ जो भी चीजें आप करेंगे। अब इसका हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे, ये देखिए सेटिंग में आप जाइएगा और हिस्ट्री चेक कीजिएगा, ये जीपीएस का सिग्नल से दिखा रहा है आपको कि घड़ी कहां से कहां, मोबाइल किधर किधर मूव किया है, ठीक है। उसके बाद वाईफाई में जाना है आपको, वाईफाई से अटैच करना है आपको, तो यहां पे प्लस पे सिंबल पे क्लिक करेंगे, या सर्चिंग भी है ऑप्शन, अगर नहीं है तो मैनुअल भी आप डाल सकते हैं, ओके कीजिए, और सेम चीजें यहां पर भी आपको ऐड करवाना पड़ेगा। वाईफाई का ऑप्शन है ही यहां पे दिख रहे हैं, वाईफाई का ऑप्शन यहां पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और यहां पे जब पास में वाईफाई होगा तो यहां पे मैं डालता हूं, यहां पे मान लीजिए ए, ये सारा कुछ कमांड आपके मोबाइल से ही हो रहा है। एएल पटना हो गया, ये देखिए एआईएल पटना भी यहां पर आ गया, इसको ऑफ करना ऑन कर दीजिए, और ऑन करना है ऑन रहेगा, तो अब ये जो है सो कि स्पीड और ज्यादा बढ़ा देगा कोई फोटो अपलोड करना हो तो, ठीक है। अब यहां पे अलार्म क्या है, यहां पे क्लास बोर्ड क्या है, इनकेस बच्चा क्लास बोर्ड में है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा को देखें या कोई डिस्टर्ब इसको ना करे, क्योंकि मल्टीपल से इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया वैसे सेम डाली सबको कनेक्ट करना है, तो इसको जब ऑन कर देंगे, ठीक है, ओके कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। अब क्या करेंगे, अगर मैं अभी डायल करूंगा, देखिए यहां पर डायरेक्ट डायल हो रहा था, यहां मैं डायल किया, ये देखिए ये ऑटोमेटिक कॉल नहीं जाएगा,
ठीक है, ये फंक्शन है क्लास बोर्ड में, अगर बच्चा पढ़ रहा हो, टाइमिंग पता है आपको, आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं इसमें। इसको मैं ऑफ कर देता हूं, सेव कर देता हूं, ठीक है। अब सेफ जोन कब बनाना है बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है, होम में है, स्कूल में है, मान लीजिए स्कूल में है, एक्टिविटी भी कुछ गया है, मान लीजिए होम पे ही, आप नहीं रहते हैं, ओके कर दिया। आपने एक पैरामीटर जियो फेंसिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, 500 मीटर के अंदर में, 200 मीटर के अंदर में, यहां से बढ़ाएंगे आपको यहां पे ऊपर में, ठीक है, ठीक है ना। बच्चा कहां जाए, 2 किलोमीटर रेडियस में घूमते रहे, उससे ज्यादा जैसे ही जाएगा आपके पास, ये देखिए एरिया बन गया आपका। तो जैसे ही इसके बाहर जाएगा तो आपके पास मैसेजेस आ जाएंगे, ठीक है। 200 मीटर कर दिया आपने, तो 200 मीटर जैसे ही जाएंगे आपका तो मैसेजेस बन जाएगा आपका, ठीक है ना। इस तरह से ये जियो फेंसिंग भी आपको कर सकते हैं। एडिट करना हो, आप स्कूल में जाना है, स्कूल सेट कर दिया, मान लीजिए कोई स्कूल है तो ये घड़ी जहां रहेगा वहां का लोकेशन दिखाएगा, आप उस एरिया को सेट कर दीजिए, ठीक है। वॉल्यूम अगर बढ़ाना हो आपको, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं आप चीजें, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स लोकेशन वाला, जैसे मैंने क्या बोला था, इसमें दिखाया था आपको फ्रेंड्स लोकेशन में, ये फ्रेंड्स, तो ये चीजें जैसे ही आप यहां से भी ऐड कर देंगे, मल्टीपल्स घड़ी, कोई बच्चे का स्कूल में है, 2-4 लोग पहने हुए हैं तो साथ में खेल रहे हैं बच्चे लोग, ठीक है, तो उनका लोकेशन भी आप यहां पर से आप चीजें देख सकते हैं कि उसका क्या लोकेशन है, या फिर आप मेरा बच्चा क्या है, क्या कर रहा है, तो ये चीजें सारा आपका डिवाइसेज है। आपको अगर किसी को स्कैन करना है तो अगर घड़ी के पास नहीं हो तो आप यहां से भी स्कैन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपने ऐड कर दिया है, आप मोबाइल से हटवाना है किसी के मोबाइल से, तो यहां पे अनबाइंड का ऑप्शन है, क्लिक कीजिएगा तुरंत उसके मोबाइल से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स जो है सर बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है, और बच्चों के लिए खास करके आज के दिन में जितने भी सिक्योरिटी रीजन से थ्रेट जो है वो उसको रेक्टिफाई करने के लिए और उसका ओवरकम के लिए बहुत बढ़िया डिवाइसेस बनाया गया है। तो ये था ओवरऑल वीडियो, ठीक है, बाकी कुछ छूट गया हो तो मैं जरूर बता दूंगा, या आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं तो मैं उस पर भी बता दूंगा कि हाँ ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि लोगों को बताएंगे, क्योंकि आप समझाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज सिंपल बोलिए कि सर आप एक बार वीडियो देख लो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हैं, ठीक है ना, आपके बच्चे के लिए। बाकी ये है, ये सब वेरियंट में तो कुछ में कैमरे नहीं है, बाकी वो सारा वेरियंट है, जैसे आपके TL3 और TK3, ये दोनों मॉडल ऐसा है आपका कि इसमें सारे फीचर्स है एक्सेप्ट कैमरा, आप कैमरे नहीं है इसमें सर, ठीक है। ये दोनों TK4 और TL4 ये दोनों सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो सर, थैंक यू।